गुड मॉर्निंग. टुडे नेक्स्ट टॉपिक पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल का पाथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, तो हमेशा चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ए. जो फोर्स की वैल्यू होगी एफ इज इक्वल टू क्यू ए. और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल जो है पोजीशन में है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऊपर जो है प्लस चार्ज भी दिखाया गया, नीचे माइनस चार्ज, तो यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल हो गया, तो इसके लिए जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा. तो उस पैराबोलिक के लिए इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे कंसीडर कर लिया गया कि कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है जिसका मास स्मॉल एम है और वह ई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा क्यू ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा. मोशन के लिए जो फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है. दोनों को बराबर करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपान एम. यदि x डायरेक्शन की वेलोसिटी वी एक्स लिया जाए तो x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, x अपान वी एक्स. हम y डायरेक्शन के लिए जब डिस्टेंस निकालेंगे तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी जीरो, u की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हाफ a की वैल्यू क्यू ई अपान एम और t की वैल्यू x अपान वी एक्स का होल स्क्वायर. तो आपका ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया, y इज इक्वल टू वन बाई टू क्यू ई अपान एम भी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोली सिमिलर टू द. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक. थैंक यू.